Welcome friends, in this video we shall be talking about chapter number 6, popularly known as the standard trait model. Well, I would dearly suggest you to first go through chapter 3, chapter 4 and chapter 5 in order to understand chapter 6 better if you still haven't. तो आप पहले उसको देख लेंगे तो chapter 6 को समझना काफ़ी आसान हो जाएगा आपके लिए. आइए शुरू करते हैं standard trait model. वेल, द स्टैंडर्ड ट्रेड मॉडल इज बिल्ड ऑन फोर की रिलेशनशिप्स और हम इन चारों रिलेशनशिप्स को एक एक करके अभी एक्सप्लोर भी करेंगे. फर्स्ट इज प्रोडक्शन पॉसिबिलिटीज एंड रिलेटिव सप्लाई, रिलेशनशिप बिटवीन रिलेटिव प्राइसेज एंड रिलेटिव डिमांड्स, डिटर्मिनेशन ऑफ वर्ल्ड इक्विलिब्रियम एंड इफेक्ट्स ऑफ टर्म्स ऑफ ट्रेड. सो लेट अस फर्स्ट स्टार्ट विद प्रोडक्शन पॉसिबिलिटीज एंड रिलेटिव सप्लाई. जैसे मैंने स्टार्ट में बताया, चैप्टर 3, चैप्टर 4, चैप्टर 5 का बहुत यूज़ होगा यहाँ पर चैप्टर 6 में, तो आपको काफ़ी सिमिलैरिटी लगेगी जो जो चीज़ें हम अब ज़्यादातर डिस्कस करेंगे. सो वी अज्यूम दैट ईच कंट्री प्रोड्यूसेस टू गुड्स, फूड एंड क्लोथ. आपको याद होगा पहले के मॉडल्स में भी ऐसे ही था. एंड ईच कंट्रीज प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर इज अ स्मूथ कर्व लाइक TT इन फिगर. सो इट्स लाइक अ कॉनकेव PPF. द पॉइंट ऑन इट्स PPF एट विच द इकोनॉमी एक्चुअली प्रोड्यूसेस डिपेंड्स ऑन द प्राइसेज ऑफ क्लोथ रिलेटिव टू फूड, दैट इज PC/PF. एट अ गिवन मार्केट प्राइस, अ मार्केट इकोनॉमी विल चूज प्रोडक्शन लेवल दैट मैक्सिमाइजेज द वैल्यू ऑफ आउटपुट PC इंटू QC प्लस PF इंटू QF. वेल, दिस होल थिंग वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड इन द अर्लियर चैप्टर्स टू. सो एन इकोनॉमी हुज प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर इज TT, वेल दिस होल थिंग इज TT, दिस प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर will produce at Q, which is on the highest possible ISO value line. ये भी हम पीछे के chapters में कर चुके हैं मेरे बच्चों discuss. So, now suppose PC upon PF were to rise, then the ISO value lines would be steeper. That is, since the slope of ISO value line is PC upon PF. और आपको पता है कि अगर PC बढ़ेगा, P1 बढ़ेगा, तो फिर budget line in that sense steeper हो जाएगी. इसको budget line मान सकते हैं. Now the production moves from Q1 to Q2, which is shown in the following figure. Mind it, अब जो मैं आपको दिखा रहा हूँ वो है in case आपका PC/PF were to rise. So ध्यान दीजिए और enjoy कीजिए. So earlier you were here, now you are here. In the last chapters we've done that. So in panel A, the ISO value line becomes steeper when the relative price of cloth rises from PC upon PF 1 to PC upon PF 2, and shown from this VV1 to VV2. As a result, economy is producing more cloth and less food and the equilibrium shifts from Q1 to Q2. याद करिए वो biased होते थे ना, क्लोथ ज़्यादा बनाते थे. So panel B shows the relative supply curve related with PPF TT. The rise from PC upon PF1 to PC upon PF2 leads to increase in the relative production of cloth from Q1C upon Q1F to Q2C upon Q2F. So basically, आप जैसे ही relative price cloth का बढ़ाते हैं तो जो relative quantity है cloth की with respect to food, that also rises. Again, मैंने starting में बोला पिछले chapter से अगर आपको आते हैं तो ये आप आराम से उसके साथ flow में लेके जा सकते हैं. तो इसलिए इनको समझा में ज़्यादा नहीं रहा क्योंकि ये पिछले videos में मैं करा चुका हूँ. सो द सेकेंड रिलेशन इज बिटवीन रिलेटिव प्राइसेज एंड डिमांड. ये नया है आपके लिए तो ये ध्यान से सीखते हैं, इसमें कोशिश करते हैं आपको अच्छे से सिखाने की. वी नो दैट द वैल्यू ऑफ एन इकोनॉमी इज कंजम्पशन इक्वल्स द वैल्यू ऑफ प्रोडक्शन. ऑब्वियसली सी, देखिए जो भी आपकी वैल्यू ऑफ प्रोडक्शन है, आप माइक्रो इकोनॉमिक्स जब पढ़ते थे तो आप इसको ऐसे भी बोलते थे वैल्यू ऑफ एंडाउमेंट. सो डोंट यू थिंक वट एवर वैल्यू ऑफ एंडाउमेंट और वैल्यू ऑफ प्रोडक्शन यू हैव, यू कैन कंज्यूम अप टू दैट वैल्यू ओनली. So that's why PC into QC plus PF into QF is equal to BC into DC plus PF into DF is equal to V. So where DC and DF are consumption of clothes and food respectively. The above equation says that production and consumption must lie on the same ISO value line. The economy's choice of a point on the ISO value line depends on the taste of its consumers. तो अब ये तो आपको पता ही है कि अगर वो जो ISO value line है, अगर आप उसको budget line मान लो, तो माइक्रो इकोनॉमिक्स में भी हमने पता है, हमने सीखा ही हुआ है कि हम बजट लाइन के ऊपर ही रहते हैं, बजट लाइन के नीचे जाते नहीं हैं, ऊपर जा सकते नहीं. तो वो कहता है कि देखो अबव इक्वेशन सेज दैट द प्रोडक्शन एंड कंजम्पशन मस्ट लाई ऑन द सेम आईएसओ वैल्यू लाइन. इकोनॉमीज चॉइस एट अ पॉइंट ऑन द आईएसओ वैल्यू लाइन डिपेंड्स ऑन द टेस्ट ऑफ हिज कंज्यूमर. तो आपको उसी आईएसओ वैल्यू लाइन पर कितना प्रोडक्शन करोगे वो भी दिखाना है, और उसी आईएसओ वैल्यू लाइन पर आपका कितना कंजम्पशन होता है आइडियली वो भी दिखाते हैं. अभी आपको डायग्राम से क्लियर करता हूँ. For our standard model, we assume that the economy's consumption decision may be represented as if they were based on the taste of a single representative individual. So the taste of an individual can be shown by indifference math.
अब देखिए आप प्रोडक्शन यहाँ पर कर रहे हैं, दैट्स क्लोथ दैट्स फूड, लेकिन उसी आई से वैल्यू लाइन पर आप दिखा रहे हो कि आइडियली यू वांट दिस कंजम्पशन टू बी देयर, दैट इज पॉइंट डी। तो भाई अब आप खुद सोचो, आप इतना क्लोथ बना रहे हो मगर आपके इकोनॉमी में जो लोग हैं वो इतना क्लोथ चाहते हैं, आप इतना फूड बना रहे हो बट दे वॉन्ट दैट मच फूड। सो द इकोनॉमी प्रोड्यूसेज एट पॉइंट क्यू वेयर पी पी एफ इज टेंजेंट टू द हाइएस्ट पॉसिबल आइसो वैल्यू लाइन, इट कंज्यूम्स एट पॉइंट डी वेयर द आइसो वैल्यू लाइन इज टेंजेंट टू द हाइएस्ट आई सी, द इकोनॉमी प्रोड्यूसेज मोर क्लोथ देन इट कंज्यूम्स एंड देयर फोर एक्सपोर्ट्स क्लोथ, कॉरेस्पॉन्डिंगली इट कंज्यूम्स मोर फूड देन इट प्रोड्यूसेज एंड देयर फोर इम्पोर्ट्स फूड। आप खुद सोचो, सपोज यू आर प्रोड्यूसिंग 10, योर इकोनॉमी वॉन्ट्स 8, यू आर प्रोड्यूसिंग 6, योर इकोनॉमी वॉन्ट्स 7, so don't you think this two you need to sell out, that's export, and this extra one you need to import, that is you'll buy it from foreign economies or foreign countries. Now consider what happens when PC upon PF increases world trade ke hisab se, aaiye dhyan se seekhega, usi cheez ko merge kar rahe hain. So again that VV1 becomes steeper and VV2 ban gaya wo. So ye jo points hai ye kya show karte hain hum aapko batate hain. In parallel, when the relative price rises, ISO value line becomes steeper from VV1 to VV2. Production shifts from Q1 to Q2. Absolutely. यहाँ से यहाँ तक आ गए थे हम, remember पीछे. Production shifts from Q1 to Q2 and consumption shifts from D1 to D2. और ये भी आप higher उस पर आ गए. So, if the economy cannot trade, तो फिर आप D3 पर रहते और D3 ये वाला point होता, जब आप trade नहीं कर सकते थे तो. So panel B shows the effect of the rise in relative price of cloth on relative production 1 to 2 and relative demand 1 prime to 2 prime. तो इसका मतलब क्या है, जैसे ही आप जब पॉइंट जब ट्रेड नहीं कर रहे थे तो 3 पर थे, और जब आप पुराने वाले प्राइस पर थे पी सी बाई पी एफ, तो आप ऐसे इसको देखेंगे, आप 1 और 2 थे, ठीक है, ध्यान से समझिएगा. Panel B shows the effect of the rise in relative price of cloth on relative production 1 to 2, that's this, and relative demand from 1 prime to 2 prime. So if the economy cannot trade, then it consumes point 3. So आपको दोनों में दिखाया हमने आर एस पे क्या फ़र्क आएगा और आर डी पर क्या फ़र्क आएगा अगर पी सी बाई पी एफ बढ़ता है तो. और सिंपल है ये, आप यहाँ पे पी सी बाई पी एफ ही तो ले रहे हो ना, तो पहले पी सी बाई पी एफ इतना था, बढ़ा तो यहाँ पर आओगे, ऑब्वियसली ये यहाँ पर था तो ये यहाँ पर आएगा. आप ये देखिए ना, वाई एक्सिस पे पी सी बाई पी एफ ही तो ले रहे हैं आप. सो ये सपोज ये था आपका पी सी पी एफ 1, तो ये पी सी पी एफ 2. सो डोंट यू थिंक डिमांड कर्व पे इधर आ गए, सप्लाई कर्व पर इधर आ गए बेटा, क्लियर. सो द वेलफेयर इफेक्ट्स ऑफ चेंजेस इन टर्म्स ऑफ ट्रेड. तो अब हम देखते हैं किसका वेलफेयर ज़्यादा है या कैसे वेलफेयर आप हाईएस्ट वेलफेयर अचीव कर पाएंगे. When relative prices increases, a country that initially exports cloth is made better off, as shown from D1 to D2, जो भी हमने यहाँ पर आपको दिखाया, ठीक है. If the economy initially was exporter of food instead of cloth, तो फिर direction उल्टी हो जाएगी. Note, country's term of trade was can never decrease the country's welfare below the welfare. कहता है ठीक है, आप पहले से कम या पहले से ज़्यादा हो सकते हो, लेकिन यहाँ पर इतना वो नहीं हो सकते आपका कि भाई जब बिना ट्रेड के आप रहते जैसे पॉइंट थ्री, उसके नीचे नहीं जा सकते आप. अगर आप ट्रेड कर रहे हो तो आपको कुछ फ़ायदा कुछ नुकसान हो सकता है पहले के मुकाबले, लेकिन जो विदाउट ट्रेड का पॉइंट है इन आर एग्जांपल पॉइंट थ्री, ट्रेड करने के बाद उससे नीचे नहीं जा सकते आप, इसलिए ट्रेड करना इज ऑलवेज बेनिफिशियल. नाउ डिटरमाइनिंग प्राइसेस. So let's now suppose that world economy consists of two countries, home and foreign. We also assume that both countries have same preference and hence the same demand curve. So at any given relative prices, PC by PF, that is, the home will produce QC and QF, while foreign will produce Q star C, Q star F. So where QC upon QF is greater than Q star C upon Q star F. वही कि हम मान के चल रहे हैं कि जो होम कंट्री है वो क्लोथ में स्पेशलाइज कर रही है. So the relative supply for the world is then obtained by summing those production levels for both cloth and food, taking ratio QC plus Q star C upon QF plus Q star F. That is nothing but the average. So by construction, this relative supply curve for the world must lie in between the relative supply curve for both countries. Relative demand curve for the world also aggregates the demand for cloth and food across the two countries. So since there are no differences in preferences across the two countries, the relative demand curve for the world overlaps the same relative demand curve for each country. तो बेटा as far as relative demand curve is concerned, पूरे वर्ल्ड का एक ही मान लेंगे क्योंकि हम ये assume कर रहे हैं taste preference सबका सेम है. और रिलेटिव सप्लाई कर्व हमने आपको चैप्टर 3 में भी बताया था, ट्रेड तभी होगा जब दोनों के लिए बेनिफिशियल हो, तो वो इन बिटवीन आएगा. तो ये था आपका, ये था विदेशी का, और ये ट्रेड के बाद बीच में आ जाएगा. अब ये कैसे है, आप देखो ये वही वो डी पॉइंट जो मैंने बनाया था,
ठीक है, ये होम का बता दिया, ये फॉरेन का। अब याद करो, होम क्या करता था, एक्सपोर्ट करता था क्लोथ, फूड इंपोर्ट करता था। वो उल्टा करेगा, वो फूड एक्सपोर्ट करेगा और क्लोथ इंपोर्ट करेगा, उल्टा हो जाएगा ना। सो पैनल ए शोज द रिलेटिव सप्लाई ऑफ क्लोथ इन होम, दैट इज आर एस इन फॉरेन आर स्टार। एज फॉर द वर्ल्ड, होम एंड फॉरेन हैव द सेम रिलेटिव डिमांड, विच इज ऑल्सो सेम फॉर द वर्ल्ड। द इक्विलिब्रियम रिलेटिव प्राइस पी सी अपॉन पी एफ वन इज डिटरमिंड बाय द इंटरसेक्शन ऑफ वर्ल्ड रिलेटिव सप्लाई एंड डिमांड एट पॉइंट वन। एट द इक्विलिब्रियम रिलेटिव प्राइस, होम एक्सपोर्ट्स क्लोथ एंड फॉरेन इम्पोर्ट्स क्लोथ बाय द सेम अमाउंट, होम इम्पोर्ट फूड एंड फॉरेन एक्सपोर्ट्स फूड। तो ये वाला जो है, ये पहले आप बना के आ रहे हो, ये हमने इम्प्लाइड माना कि दोनों के बीच में ही आएगा, क्योंकि बेनिफिशियल तभी होगा दोनों के लिए ट्रेड करना, और ये उसका उल्टा हो जाएगा। आप बताओ ना, होम अगर एक्सपोर्ट कर रहा है क्लोथ तो ऑब्वियसली ये इम्पोर्ट करेगा, ये उससे खरीदेगा, और हम अगर फूड इम्पोर्ट कर रहे हैं तो वो हमें बेच रहा है, यानी फॉरन जो है वो फूड को एक्सपोर्ट कर रहा है। इकोनॉमिक ग्रोथ अ शिफ्ट इन आर एस कर्व, रिलेटिव सप्लाई कर्व। एक बात बताइए, किसी भी देश में इकोनॉमिक ग्रोथ तो हो सकती है ना, आपके देश में भी हो सकती है, नई टेक्नोलॉजी आ गई, नए रिसोर्सेज आ गए। सो इज़ इकोनॉमिक ग्रोथ गुड और बैड फॉर आर कंट्री, दैट इज इकोनॉमिक ग्रोथ इन अदर कंट्रीज। इज ग्रोथ इन अ कंट्री मोर और लेस वैल्यूएबल देन वेन द नेशन इज अ पार्ट ऑफ अ क्लोजली इंटीग्रेटेड वर्ल्ड इकोनॉमी। कहते हैं अगर किसी दूसरे देश में ग्रोथ हो जाए तो वो आपके लिए अच्छी बात है या बुरी बात है। दूसरा, ये इस बात पर क्या डिपेंड करेगा कि आप ट्रेड में कितने ज़्यादा इन्वॉल्व हो उस कंट्री के साथ। सो इकोनॉमिक ग्रोथ इन द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड मे बी गुड फॉर आर इकोनॉमी बिकॉज इट मीन्स लार्जर मार्केट फॉर आर एक्सपोर्ट्स एंड लोअर प्राइसेस फॉर आर इम्पोर्ट्स। जायज़ बात है। आप बताइए, अगर वहाँ ग्रोथ हो रही है तो डिमांड बढ़ेगी वहाँ पर, तो हम अपना माल ज़्यादा बेच पाएंगे, क्योंकि वहाँ ग्रोथ हो रही है तो सप्लाई बढ़ेगी, तो रेट गिर जाएंगे, तो हमारे को इम्पोर्ट सस्ता पड़ेगा। अपेरेंटली तो इट लुक्स लाइक दैट। ऑन दी अदर हैंड, ग्रोथ इन अदर कंट्रीज मे मीन इंक्रीज कॉम्पिटिशन फॉर आर एक्सपोर्टर एंड डोमेस्टिक प्रोड्यूसर्स हु नीड टू कम्पीट विद फॉरन एक्सपोर्टर्स। बिल्कुल, अब वहाँ ग्रोथ होगी तो वहाँ मार्केट क्रिएट होगी, मार्केट क्रिएट होगी तो वहाँ प्रोड्यूसर ज़्यादा आएंगे, तो ऑन दी अदर हैंड आपको कॉम्पिटिशन भी झेलना पड़ेगा। सो अब आपको वे करना पड़ेगा कि कौन सा आपको बेनिफिट ज़्यादा लग रहा है या आपको ये लॉस ज़्यादा लग रहा है। सेम विद होम, ऑन वन हैंड ग्रोथ इन एन इकोनॉमीज प्रोडक्शन कैपेसिटी शुड बी मोर वैल्यूएबल व्हेन दैट कंट्री कैन सेल सम ऑफ इट्स इंक्रीज प्रोडक्शन टू द वर्ल्ड मार्केट। ऑन द अदर हैंड द बेनिफिट्स ऑफ ग्रोथ मे बी पास्ड ऑन टू फॉरनर्स इन द फॉर्म ऑफ लोअर प्राइसेस। तो एक अगर आपके देश में ग्रोथ है, नो डाउट यू आर प्रोड्यूसिंग मोर एंड यू कैन सेल मोर इन द फॉरन मार्केट, बट देन सिंस यू आर प्रोड्यूसिंग मोर तो आपको सस्ता पड़ रहा है, तो आपको सस्ता बेचना पड़ेगा, वो बेनिफिट आप फॉरनर्स को पास ऑन करेंगे। सो ग्रोथ से पीपीएफ पर क्या असर पड़ेगा, अगेन बायस्ड रहेगा। सो यूजुअली ग्रोथ मीन्स एन आउटवर्ड शिफ्ट, जो पैरेलल शिफ्ट बना देते हैं। हेयर हाउ एवर इट इज़ अ बायस्ड वन, जो पिछले चैप्टर्स पर मैं बता चुका हूँ। सो हेयर पीपीएफ शिफ्ट्स आउट मोर इन वन डायरेक्शन, आइदर क्लोथ के टर्म्स में या फूड के टर्म्स में। ऐसा क्यों होता है अभी देखते हैं। सो ग्रोथ मे बी बायस्ड फॉर टू रीजंस। रिकार्डियन मॉडल चैप्टर 3 शोड दैट टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस इन वन सेक्टर ऑफ द इकोनॉमी विल एक्सपैंड प्रोडक्शन पॉसिबिलिटीज इन द डायरेक्शन ऑफ दैट सेक्टर्स। गो वॉच चैप्टर 3। द हेक्शर ओलिन मॉडल चैप्टर 5 शोड दैट एन इंक्रीज इन अ कंट्री सप्लाई ऑफ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन से कैपिटल विल प्रोड्यूस बायस द एक्सपेंशन ऑफ प्रोडक्शन पॉसिबिलिटीज। द बायस विल बी इन द डायरेक्शन ऑफ आइदर ऑफ द गुड टू विच द फैक्टर इज स्पेसिफिक एंड और द गुड हुज प्रोडक्शन इज इंटेंसिव इन द फैक्टर हुज सप्लाई हैज इंक्रीज्ड। चैप्टर 5 में इसके बारे में हमने डिटेल में बात की हुई है, तभी मैं स्टार्टिंग में आपको बोल रहा हूँ वीडियो स्टार्ट करते ही कि चैप्टर 3, 4, 5 अगर अच्छे से पढ़ लेते हो, चैप्टर 6 इज लाइक अ मिरर इमेज ऑफ ऑल ऑफ दैट। चलिए आगे बढ़ते हैं, करते हैं वर्ल्ड रिलेटिव सप्लाई एंड द टर्म्स ऑफ ट्रेड। तो देखिए मेरा बच्चा, यहाँ पर अगर वो बायस ग्रोथ होती है आपके यहाँ या दूसरे देश के यहाँ, तो उससे वर्ल्ड ट्रेड पर क्या फ़र्क पड़ेगा या ओवरऑल वर्ल्ड के इक्विलिब्रियम पर क्या फ़र्क पड़ेगा, लेट्स सी। सपोज नाउ दैट होम एक्सपीरियंसेस ग्रोथ बायस टूवर्ड्स क्लोथ सो दैट इट्स आउटपुट ऑफ क्लोथ राइजेस एट एनी गिवन रिलेटिव प्राइस व्हाइल इट्स आउटपुट ऑफ फूड डिक्लाइंस फॉर ऑब्वियस रीजंस, क्योंकि बायस ग्रोथ है। आप याद करो, वो पीपीएफ बनाते थे ना, एक पॉइंट पर होते थे क्लोथ ज़्यादा हो जाता था, फूड कम हो जाता था। So then the output of clothes relative to food will rise at any given price for the world as a whole and the world relative supply curve will shift to the right. Obviously जब सामान ज़्यादा आएगा तो सप्लाई बढ़ेगी, just like the relative supply curve for home. It results in decrease in relative prices of clothes, worsening of home's terms of trade and improvement in foreign's term of trade. यानी आपने ग्रोथ करी, आपने माल ज़्यादा बनाया क्लोथ स्पेसिफिकली, तो डोंट यू थिंक आप सस्ता बेचोगे सप्लाई, क्योंकि राइट पर शिफ्ट होगी तो पी सी अपॉन पी एफ गिर जाएगा। This is all. ठीक है, this one. So, if foreign had experienced growth
If foreign had experienced growth bias towards cloth, the effect of the world related supply would have been similar. क्योंकि क्लोथ की सप्लाई बढ़ जाती है जब आप ज़्यादा बना रहे हो या फॉरेन ज़्यादा बना रहे हैं. ऑन द अदर एंड आइदर होम और फॉरेन ग्रोथ स्ट्रॉन्गली बायस टुवर्ड्स फूड विल लीड टू लेफ्टवर्ड शिफ्ट ऑफ आर एस कर्व. माइंडेड ये आर एस कर्व किसके बेसिस पर है? दिस एवरेज क्वांटिटी इन पी सी बाई पी एफ. तो आपको उसी पॉइंट ऑफ व्यू से उसको देखना होगा कि न्यूमिनेटर बढ़ रहा है कि डिनोमिनेटर बढ़ रहा है. सो ऑन द अदर हैंड आइदर होम और फॉरेन ग्रोथ स्ट्रॉन्गली बायस टुवर्ड्स फूड विल लीड टू अ लेफ्टवर्ड शिफ्ट ऑफ आर एस कर्व फ्रॉम आर एस वन टू आर एस थ्री दस इंक्रीजिंग रिलेटिव प्राइसेस. सो ग्रोथ दैट इज प्रोपोर्शनेटली एक्सपैंड्स अ कंट्रीज प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी इन द डायरेक्शन ऑफ फूड रादर इन द डायरेक्शन ऑफ द गुड इट एक्सपोर्ट्स दैट्स क्लोथ इन होम एंड फूड इन फॉरेन इज एक्सपोर्ट बायस ग्रोथ. ऑब्वियसली आप क्लोथ ज़्यादा बनाते हो, क्लोथ एक्सपोर्ट करते हो और क्लोथ के उसमें ही आपकी ग्रोथ हो गई है तो हम ये बोलेंगे ना एक्सपोर्ट बायस ग्रोथ है आपकी. और ये ऑब्वियसली वर्सन करेगी ग्रोइंग कंट्रीज़ को टू द बेनिफिट ऑफ द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड क्योंकि आप ज़्यादा माल बनाओगे सस्ता देना पड़ेगा विदेश पे फ़ायदा है. और इम्पोर्ट बायस ग्रोथ जो है अगर तो वो आपकी कैपेसिटी को भले कम करे बट आपको फ़ायदा जरूर दे देगी क्योंकि फूड आप इम्पोर्ट करते थे दूसरे देश में ग्रोथ हो गई फूड की तो आपको सस्ता पड़ेगा यार. So, international effects of growth. So, we will now see whether growth in rest of the world is good or bad for us. Does the fact that our country is a part of trading world economy increases or decreases the benefit of growth? In each case, the answer depends on the bias. Export bias growth in the rest of the world is good for us, improving our terms of trade. Export bias growth in our own country worsens our terms of trade, reducing the direct benefit of growth, while import bias growth leads to an improvement in our terms of trade. ये वही चीज़ है जो मैंने भी आपके साथ पीछे discuss किया. सो टैरिफ्स एंड एक्सपोर्ट सब्सिडीज माइंडेड इसके ऊपर डिटेल एक्सप्लेनेशन आगे चैप्टर नंबर 9, 10, 11 में आप पढ़ेंगे लेकिन अभी एक शॉर्ट सिनॉप्सिस हम देंगे इसमें आपको. सो टैरिफ्स एंड एक्सपोर्ट सब्सिडीज कहते हैं इम्पोर्ट टैरिफ्स लाइक टैक्सेस डिवाइड ऑन इम्पोर्ट्स एंड एक्सपोर्ट सब्सिडीज पेमेंट गिवन टू डोमेस्टिक प्रोड्यूसर्स हू सेल अ गुड अब्रॉड आर नॉट यूजुअली पुट इन प्लेस टू अफेक्ट कंट्रीज टर्म ऑफ ट्रेड दिस गवर्नमेंट इंटरवेंशन इन ट्रेड यूजुअली टेक प्लेस फॉर इनकम डिस्ट्रीब्यूशन फॉर द प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री और फॉर बीओपी. कहता है ये चाहे आप टैरिफ हो चाहे एक्सपोर्ट सब्सिडी हो एक्चुअली में ये बैलेंस ऑफ ट्रेड के लिए ना करके गवर्नमेंट करती है कि इनकम डिस्ट्रीब्यूशन सही हो जाए हमारी डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज प्रमोटेड रहें या हमारा बीओपी का जो क्राइसिस है अगर तो वो सही हो जाए मगर ये इनडायरेक्टली आपके बैलेंस ऑफ ट्रेड को अफेक्ट तो करती है. सो द डिस्टिंक्टिव फीचर्स ऑफ टैरिफ एंड एक्सपोर्ट सब्सिडी इज दैट दे क्रिएट अ डिफरेंस बिटवीन प्राइस एट विच गुड्स आर ट्रेडेड ऑन द वर्ल्ड मार्केट एंड प्राइसेज एट विच दोज गुड्स कैन बी परचेज विद इन अ कंट्री. कैसे अभी देखते हैं. द डायरेक्ट इफेक्ट ऑफ टैरिफ इज टू मेक इम्पोर्टेड गुड्स मोर एक्सपेंसिव एंड एक्सपोर्ट सब्सिडी गिव प्रोड्यूसर्स एन इंसेंटिव टू एक्सपोर्ट. तो अब हम आपको सिखाते हैं इफेक्ट्स ऑफ टैरिफ. वेल मेरे बच्चों टैरिफ का मतलब है सपोज बाहर एक गुड $10 का है मैं यहाँ पर $1 का टैरिफ उस पर लगा देता हूँ इम्पोर्ट ड्यूटी सॉर्ट ऑफ लगा देता हूँ सो डोंट यू थिंक मेरे देश में वो $11 का मिलेगा. अभी हम आपको एक एग्जाम्पल से सिखाते हैं ये उससे पहले फर्स्ट पैराग्राफ पढ़ते हैं. टैरिफ्स एंड सब्सिडीज ड्राइव अ वेज बिटवीन द प्राइसेज एट विच गुड्स आर ट्रेडेड इंटरनेशनली इन आर केस $10 एंड द प्राइसेज एट विच आर ट्रेडेड विद इन अ कंट्री $11. पहले एग्जाम्पल देता हूँ फिर ये नीचे वाला पढ़ेंगे. इफ होम इम्पोज द 20% टैरिफ ऑन द वैल्यू ऑफ फूड इम्पोर्ट्स इट इम्पोर्ट्स फॉर एग्जाम्पल द इंटरनल प्राइस ऑफ फूड रिलेटिव टू क्लोथ फेस बाय होम प्रोड्यूसर एंड कंज्यूमर विल बी 20% हायर देन द एक्सटर्नल रिलेटिव प्राइस ऑफ फूड ऑन द वर्ल्ड मार्केट. सपोज बाहर 100 रुपये का आपने 20% का टैरिफ लगा दिया तो यू विल बी गेटिंग दैट एट 120. सिमिलरली द इंटरनल रिलेटिव प्राइस ऑफ क्लोथ ऑन विच होम रेजिडेंस बेस्ड देयर डिसीजन विल बी लोअर देन द रिलेटिव प्राइस ऑन द एक्सटर्नल मार्केट. So at any given world relative price of cloth, then home producers will face a lower relative cloth price and therefore produce less cloth and more food. Obviously, क्योंकि वो relatively food जो है वो lucrative हो गया बनाना. So from the point of view of the world as a whole, the relative supply of cloth will fall while the relative demand of cloth will rise. क्योंकि वो सस्ता पड़ रहा है. So the world relative price of cloth rises from PC upon PF to 1 to PC upon PF to 2 and thus home's terms of trade improve at foreign's expense. आप ये देख सकते हैं. इसी प्रकार अगर लगा दिया जाए सब्सिडी. अब एक्सपोर्ट सब्सिडी क्या है? हम अपने डोमेस्टिक प्रोड्यूसर्स को बोल रहे हैं कि तुम ना वही गुड बनाओ जिनकी बाहर फॉरेन में डिमांड है और तुम्हें हम उसको सब्सिडाइज कर देंगे ताकि तुम्हें सस्ता पड़े. सो सपोज दैट होम ऑफर्स अ 20% सब्सिडी ऑन द वैल्यू ऑफ एनी क्लोथ एक्सपोर्टेड फॉर एनी गिवन वर्ल्ड प्राइसेस दिस सब्सिडी विल रेज होम्स इंटरनल प्राइस ऑफ क्लोथ रिलेटिव टू दैट ऑफ फूड बाय 20%.
जायज बात है। उसके बाद कहते हैं द राइज इन द रिलेटिव प्राइस ऑफ क्लोथ विल लीड होम प्रोड्यूसर टू प्रोड्यूस मोर क्लोथ एंड लेस फूड वाइल यू नो लीडिंग होम कंज्यूमर टू सब्स्टिट्यूट फूड फॉर क्लोथ, क्योंकि क्लोथ महंगा हो रहा है। सो एज अ रिजल्ट रिलेटिव सप्लाई ऑफ क्लोथ इंक्रीजेज एंड डिक्रीजेज द वर्ल्ड रिलेटिव डिमांड फॉर क्लोथ शिफ्ट इन द इक्विलिब्रियम फ्रॉम 1 to 2। सो मोटा मोटा तौर पर अ होम एक्सपोर्ट सब्सिडी वर्सेंस होम्स टर्म्स ऑफ ट्रेड एंड इम्प्रूव्स फॉरन। अब तक आपने देखा टैरिफ कैसे यू नो यूज़ हो रहे हैं, सब्सिडीज़ कैसे यूज़ हो रहे हैं, क्या वाकई में कंक्लूजन हम दे सकते हैं कि कौन सा अच्छा है कौन सा बुरा है? लेट्स सी इम्प्लीकेशन, हु गेन्स हु लूजेस। इफ होम इम्पोजेज अ टैरिफ इट इम्पोजेज इट्स इन टर्म यू नो इट्स टर्म्स ऑफ ट्रेड एट फॉरन एक्सपेंस दस टैरिफ हर्ट द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, क्योंकि आपने अपना उनको मैं उनके गुड यहाँ पर महंगे कर दिए। हाउएवर अ टैरिफ ऑल्सो इम्पोजेज कॉज बाई डिस्टॉर्टिंग प्रोडक्शन एंड कंजम्पशन इंसेंटिव विद इन द होम कंट्री। आप देखो ना ये आपके देश में भी तो इसकी वजह से जब ये टैरिफ लगा आपके देश में भी तो ये चेंजेस आए हैं कि आपका प्रोड्यूसर जो है क्लोथ छोड़ के फूड पर चला गया बनाने। So the terms of trade gains will outweigh the losses from distribution or rather distortion only as long as tariff is not too large. Chapter 9 में सिखाएंगे आपको। The effect of an export subsidy are quite clear. Foreign terms of trade improves at home's expense, leaving it clearly better off. At the same time, home loses from terms of trade deterioration. Thus, export subsidy never makes sense for anybody. So are foreign tariffs always bad? एंड फॉरन एक्सपोर्ट सब्सिडीज गुड फॉर होम? नॉट नेसेसरली। देखो बेटा ये जो आप सो कॉल्ड अभी कंक्लूजन निकाल रहे हो सिर्फ टू गुड के मॉडल पे निकाल रहे हो, मेनी गुड्स के केस में एम्बिगुअस इफेक्ट होते हैं। ऐसा नहीं है कि ये जो स्टेटमेंट है हमेशा ऐसे ही चलेगी। अब हम टॉपिक आते हैं लास्ट, दैट इज़ रियल इंटरेस्ट रेट। आपने माइक्रो इकोनॉमिक्स में एक टॉपिक पढ़ा था इंटर टेम्पोरल, जिसमें आप आज की कंजम्पशन करने से पहले सोचते थे कि फ्यूचर में इनकम क्या होगी, तो उसके हिसाब से आप आज की कंजम्पशन डिसाइड करते थे। तो आप इसको भी फॉरेन ट्रेड के पॉइंट ऑफ व्यू से भी देख सकते हैं। हाउ डज अ कंट्री ट्रेड ओवर टाइम लाइक एन इंडिविजुअल? अ कंट्री कैन यू नो ट्रेड ओवर टाइम बाय बोरोइंग और लेंडिंग। व्हेन अ कंट्री बोरोज इट गेट्स द राइट टू परचेज सम क्वांटिटी ऑफ कंजम्पशन नाउ इन रिटर्न फॉर रीपेमेंट ऑफ सम लार्जर क्वांटिटी इन फ्यूचर। सो सपोज अभी 1 लिया है तो आपको 1+R फ्यूचर में देना होगा। So where R is the real interest rate? When this relative price of future consumption rises, that is R falls. So a country responds by investing more. This increases the supply of future consumption relative to current consumption. So we previously saw how a consumer preference for cloth and food could be represented by a relative demand curve relating consumption to the relative price. Similarly, consumer will also have preferences over the time that captures the extent. तो वो जो हमने कंजम्पशन के साथ दिखाया था वही रियल इंटरेस्ट रेट के साथ दिखा देते हैं। सो करेंट एंड फ्यूचर कंजम्पशन विल बी दो गुड हो जाएंगे यहाँ पर। तो ये 1/1+R है द रेशियो ऑफ फ्यूचर कंजम्पशन टू करेंट कंजम्पशन। सो इफ दिस रेशियो राइजेस दैट मीन्स दिस इज फॉलिंग एंड वाइस वर्सा। सो इक्विलिब्रियम विल बी वेयर RD इंटरसेक्ट्स RS कर्व। सो मोटे मोटे तौर पर आपने स्टैंडर्ड ट्रेड मॉडल में देखा कि आपको रियल इंटरेस्ट रेट कैसे अफेक्ट करता है आपके ट्रेडिंग को, टैरिफ्स कैसे यूज़ किए जाते हैं, सब्सिडीज़ कैसे यूज़ किए जाते हैं, उससे फ़ायदा या नुकसान होता है या नहीं, और किसी देश की इकोनॉमिक ग्रोथ भी उसको और वर्ल्ड को किस तरह से इन्फ्लुएंस करता है। माइंडेड जो की रहेगी आपको इनको समझने की वो है रिलेटिव टर्म्स में पढ़ना है आपने, नॉट इन एब्सोल्यूट टर्म्स। सो दिस इज़ चैप्टर 6 गाइस। फॉर नोट्स यू कैन व्हाट्सएप मी।